They had 60 kills and and all. People should not fly Air India. There is risk bomb threats. ऐसी चीजों को आप सीरियसली लेते हो। Human intervention जो होता है ना वहाँ तक तो कोई बॉम्बे लेके जाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट दिस बट pilots, अगर उनका माइंड वॉश या ब्रेन वॉश जो हो गया दे आर that. ओनली पीपल मोमेंट आपकी लाइफ का क्या था जितने भी लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं उनमें से 71.9 परसेंट लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो so, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू सर्व करी है इस पॉडकास्ट के थ्रू सो प्लीज़ आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना यह चैनल ग्रो होगा एंड उतने ही बेहतर और मोर वैल्यूबल इनसाइट्स हम आपके लिए ला पाएंगे जब भी हम अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में दाऊद अब्राहिम का नाम ज़रूर आता है बट क्या है डार्क हिस्ट्री ऑफ दाऊद अब्राहिम कैसे वो डॉन बने कैसे वो ग्लोबली इतने बड़े अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बने ये हमने जाना है हमारे आज के गेस्ट विजय नायर ये कागिल वॉर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे थे ये एक्स इंडियन नेवल ऑफिसर भी हैं आज हमने उनसे जाना कि कैसे 2000 तक अंडरवर्ल्ड एंड गैंग वॉर्स मुंबई में चलता था मुंबई में ब्लास्ट के पीछे सच में हुआ क्या था उनकी लाइफ के स्कैरियस मोमेंट्स कौन कौन से थे और क्या सच में एयर इंडिया की फ़्लाइट्स में ट्रैवल करना डेंजरस है आज की तारीख में ये सारी बातें हमने आज के एपिसोड में डिस्कस करी है तो ये एपिसोड एंड तक देखना बट ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले राजमानी क्लिप्स एंड राजमानी शॉर्ट्स को जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स मिले एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटीफाई पर अवेलेबल है वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन्जॉय द शो

कभी भी कोई भी चीज ऐसे आता है तो वी डोंट टेक इट लाइटली यू नो एंड उसी का फायदा उठाते हैं सब लोग ऑल दो पीपल हु परसीव कि मैंने बॉम्ब रखा हूँ ये सो so हर थ्रेट इज टेकन इक्वली दिस थिंग बिकॉज क्या होता है ना कि वेन अ टेररिस्ट माइंड सेट और यू नो वेन समन टू डू समथिंग दे आर ओनली वेटिंग फॉर दिस वो आपको टेस्ट करते रहता है कि ये बंदा कितना सीरियसली ले रहा है इसको एंड द मोमेंट दे आर ऑल्सो इक्वली यू नो एनालाइजिंग एंड दिस थिंग सी दे मे अपियर की सिर्फ Uh, कुर्ता पैजामा पहन के गन लेके घूम रहा है बट जो भी उनके हैंडलर होते हैं दे आर वेरी वेरी स्मार्ट सो दे आर परसिविंग दिस कि ये बंदा कितना सीरियसली ले रहा है एंड द डे दे फील कि नहीं है एंड दैट इज वेयर एवरी थिंग सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज एवरी थिंग इज टेकन सीरियसली यू नो एवरी थ्रेट इज टेकन सीरियसली आप इतने ओपनली थ्रेट दे देता है करेक्ट सो so, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट का या एजेंसीज का किसी का यह भी स्टेटमेंट नहीं आया okay, Don't be scared scared या है, कुछ है, भी स्केडको रीसियंस है इज वुडी दैट जो ट्वेंटी का जो सीनरियो हुआ था वेर इन दी ह्यूमन इंटरवेंशन जो होता है ना वहां तक तो कोई बॉम्बे लेके जाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट दिस बट दर्सन आई डों बता रहा हूँ सबको कि ना, निक्स में जो हुआ था, जो बंदे लाइसेंस थे, and I'm talking about pilots, अगर उनका माइंड वॉश वॉश या ब्रेन जो हो गया, बंदिंग ओनली पीपल हु कैन डू दैट यू नो जैसे थियरी गोइंग ऑन जो मलेशियन hmm. जो बंदे थे जो पायलट था देम सेल्फ मेंटल समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू देयर मेंटल हेल्थ और समथिंग सो दैट इज दी ओनली थिंग विच विल हैपन एंड दैट इज अगेन अ रिस्क वो एक रिस्क है बाकी तो यार यू नो वी विल हैव टू बिलीव एंड नहीं तो कोई भी हेरा गहरा आके ये कर देगा आप okay. हमें हिस्ट्री बताओ अंडरवर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री बताओ अंडरवर्ल्ड होता क्या है उसकी हिस्ट्री क्या और ये कैसे गैंग होते हैं ऑल ऑफ दैट और पहले कैसा था और आज कैसा था अगर आप बंबई को देखते हो पुराने जो बम्बई जिस तभी हम बम्बई बोलते थे मुंबई से ज्यादा पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसे हुआ टेक मुंबई की बात करूंगा क्योंकि मुंबई से हूँ कम ओके hmm. ये okay, uh, ये लोग लोकल uh, ये थे दे वर्किंग एट पोर्ट एंड एंड ऑल यू नो तभी वी हैड लॉट ऑफ इम्पोजिशन ऑन थिंग्स कि ये आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो ये नहीं कर इवन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल तो इन्होंने वहां अपॉर्चुनिटी देखी एंड द फर्स्ट गाई वॉज हाजी मस्तान बोल के एंड देर वॉज करीम लाला एंड देर वॉज वरदराजन मुदलियार ये तीन hmm. थे एंड देर वेर किंग्स ऑफ किंग ऑफ मुंबई

जहां पे भी इनलीगल एक्टिविटीज होती है होच हुआ या स्मगलिंग हुआ सो ये तीनों केस में एंड देवेर गुड फ्रेंड्स यू नो ये एक दूसरे के दायरे में जाते भी नहीं थे ना हो जैसे जैसे करीम लाला आया तो करीम लाला के भतीजे फिर यू नो हिस गैंग स्टार्टड देवेर कॉल्ड पठान गैंग यू hmm. नो you know, पठान गैंग आया देन दे स्टार्ट वो चालू किए कि एक्चुअल गैंग वॉर क्या है दे देवेर यू नो लेस एजुकेटेड एंड कोई रेस्लर थे और उन्होंने वो दहशत कराना चालू कर दिया लुटपाट हुआ रात को गए, पकड़ लिया, and all those used to happen. Power, मतलब अब वो power, powerful power, feel power, कर रहे थे तो उन्होंने और हाँ। और फिर किसी से कर लिया तभी सी मुंबई वाज कमिंग ऊपर आ रहा था अब यही टाइम देवर जैसे बोलते हैं ना नाक में दम होना मुंबई पुलिस एंड मुंबई पुलिस वाज फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट साला चल क्या रहा है तब वहां डोंगरी के गली से वन बॉय हु

एंड वन डे इज फादर कम्स टू नो जब इसको पुलिस स्टेशन लाता वहाँ पे ये फादर उसका बेल्ट से बहुत मार के टेक हिम होम एंड ऑल अब ना पूरे इसमें ना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मुंबई पुलिस पठान गैंग आपके नाक में दम है और यहाँ एक बंदा उभर रहा है सो so ये अगर पहले टेम कर देता उसको तो शायद उतना बड़ा बंदा And नहीं time. तो इन्होंने भी वो छूट दे दी कि भैया ठीक है करके सोटे ऑल्सो समवेयर इनका भी एक इंटरेस्ट था कि इसके अगेंस्ट ये तीनों के अगेंस्ट कोई तो है करके एंड दैट इज हाउ ये बंदा बढ़ना चालू हो गया अब ये जो एक्टिविटी करते थे ये लोग भी करना चालू कर hmm. दिए। अब वो एरिया डिवाइड और पावर का डिविजन हुआ तो जैसे जैसे ये बढ़ते गए तो अनफॉर्चुनेटली मुंबई में बहुत सारे मिल्स थे तभी hmm. तो मिल्स स्टार्टेड क्लोजिंग बिकॉज रीजन एंड वहां था लाइक like, दोकल uh, कामगार पॉपुलेशन जिसको hmm. बोलते है ना वेर माई फादर ऑल्सो कम्स फ्रॉम Uh, वो जॉबलेस होने लगे तो उनके बच्चे यू नो एजुकेशन एंड ऑल तो धीरे 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 करके दे स्टार्टेड गेटिंग इन टू क्राइम सो नाउ देर वॉज अ डिवाइड कि बिटवीन द हिंदू डॉन्स एंड द मुस्लिम डॉन्स यू नो दैट इज हाउ ऑल दो पीपल लाइक अरुण गवली देन रमान एंड वेरियस जिसको बी आर ए गैंग बोलते थे एक फॉर रिमेम्बर इट इज बाबू रेशम अरुण गौली एंड रमा नायक इज वाई देर कॉल आना चालू हुआ एंड देन ये सब होता है तो फिर वो क्रॉस ये चालू होता है यू you नो know? कि मेरा एरिया वो तेरा एरिया mm. तो उसको आएगा तो मैं मारूंगा देन mm. ये चक्कर में क्या होता है द फीमेल एंगल कम ये बंदे को दे uh, पठान गैंग दे वुमन देर वहाँ के ब्रोथल में हु तो उसको वो अच्छा लगने का एंड देन यहाँ से किसको वो अच्छा लगने का ऑल दस एंगल के ट्रा लव स्टोरी एंड ऑल एंगल डिवाइड फॉर पावर दैट इज लॉट ऑफ थिंग्स फेयर हैपनिंग मुंबई में ना बहुत कुछ हो रहा था मारना काटना वॉज वेरी वेरी कॉमन उसके बाद okay. तो ये लोग की मांडवली भी होती थी बीच बीच में ये आके उसको बोला वो आके एंड फर्स्ट टाइम दाऊद का जो भाई था उसको किल्ड uh, वर्ली के आसपास एक पेट्रोल पंप है वहां पे आई थिंक उसको मारा था हिम एंड uh, एकदम डेरिंग वाला ये था यू नो लाइक वेरी फेमस पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप पे जो मारा था एंड फिर जब इसको मारा तो ही वॉज लाइक फ्यूरियस दाऊद एकदम पागल हो गया था कि भाई को मारा करे कोई भी आप अभी उस टेचर पे हो एंड Uh, you know, yeah. हमें नॉर्मली में अपने को ही कोई बोल दे अपने किसी को मार दे अपनी उठ के गोली मार दे तो वॉज एट डिफरेंट ये हो गया अब इस भाई को मारा है तो उसमें से एक को किसी को लूंगा करके एंड देन uh, हाजी मस्तान आए दे ऑल हैड वन मांडोली एक दे वॉज अ वेरी फेमस लेडी डोनोल्ड वो लोग सब आए मांडोली की बोला ठीक है जो हो गया हो गया नाउ इट शुड नॉट है एंड ऑफ द डे वी सब लोग हम सब भाई भाई एंड ऑल बट वो कहीं ना कहीं वो दिल में रहता ना कि साला भाई को मारा ऐसे कैसे छोड़ूंगा करके एंड देन इन्होंने पठान गैंग के को उड़ा दिया सो so, so, दिस इतना ये था कि देन के वेरियस पॉकेट से बॉम्बे का अगर पॉकेट देखोगे मुंबई का अगर आप डोंगरी से स्टार्ट करते हो देन यू हैव चेम्बूर यू हैव डोंबीवली तक there were the gang wars. Hmm. And then जो हुआ, where I belong. Hmm. तो ये सब जगह से ही आके, uh, very famous. तभी तो ऐसे कोर्ट वेट में मारा है गोली एक बंदे ने आई uh, थिंक uh, बड़ा राजन बोल के गाय छोटा hmm. राजन का बॉस hmm. छोटा राजन वॉज वेरी इम्प्रेस विथ हिम तो बड़ा राजन ने एक ऑपोजिट वाले उसको Uh, कोर्ट में, में मारा एंड देन लेटर वॉट हैपेन्ड देर वॉज अ गाई का नाम क्या था पिंटो या ऐसी कुछ था उसने ये क्या था और ही वॉज क्रिकेट का शौकीन था तो उसको छोटा राजन ने क्रिकेट के ग्राउंड पे मारा हॉकी स्टेक और इससे लेके मारते तो दिस कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग एंड देन धीरे 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 करके दी फैक्शन गॉट डिवाइडेड एंड उसके बाद वो मुंबई बॉम्ब्लास्ट आया मुंबई तो अभी, अभी तक ये एरियाज अभी अभी हाँ, तक तक डिवाइडेड ही थे कोई भी एक एरिया में नहीं जाता एक, था। एक एरिया में नहीं जाते थे एक दूसरे के, 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 के इसमें अगर आप घुसे तो काउंटर चालू ना जब मुंबई बॉम्ब्लास्ट हुआ उसने क्या इट गॉट डिवाइडेड दिस एंटायर स्पेक्ट्रम ये जो पूरा सिनेरियो था दे गॉट डिवाइडेड इन टू वाइज कि

उसमे कुछ हो खुंदक थी नाइनटी टू के जो राइट हुए थे दैट टाइम से उनके दिल में था यही टाइम पे मुंबई पुलिस हैुलियो रिबेरियो थे पहले और एक कोई था उन्होंने ये कर दिया कि क्लीन अप मुंबई करके अब भगाओ जो भी है मतलब आपके नाम पे चार्जशीट है या एफ आई आर है पकड़ो ठोक दो यू नो एंड वो चालू हुआ एनकाउंटर राज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का ऑल दोस लाइक इसको एनकाउंटर राज बोलते थे टाइम हाँ जैसे दया नायक हुए प्रदीप शर्मा आई थिंक दे आर बोथ लिविंग अभी भी है देन विजय सालसकर हु वी लॉस्ट डोरिंग दैट कसब के टाइम में ये लोग स्पेशलिस्ट थे इनका काम ही दे हैड सिक्सटी किल्स एंड ऑल फौज में साला इतना किल्स नहीं होते हमारे पास फिर वो एलिगेशन चालू हुए कि गैंग्स के साथ यू नो कोई किसी गैंग को फेवर कर रहा है कोई दाऊद के मार रहा है लेके जाते थे लोग वाई आई रिमेंबर ऑल दिस सो वन ऑफ आर वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड सो माई अंकल बिलोंग टू वन ऑफ दोज इंटर तो आई रिमेंबर रतन उसका नाम भी मुझे याद है मेरे से शायद छे आर माई अंकल्स वेरी क्लोज फ्रेंड ठीक है वो आता है एक रात को आई एम भांडुप इज अ प्लेस इन मुंबई वेर आई कम फ्रॉम रतन कम्स होम रात को यू नो अगेन अ मलयाली गाय केम फ्रॉम केरला इन सर्च ऑफ ये जो भी उस काम धाम के लिए आया था mm. फिर हाइट बॉडी थी देन उसमें mm. चला गया पूरा तभी जॉब भी होता नहीं था रतन हमारे यहाँ से खाना खा के गया था रात को एंड mm. नेक्स्ट uh, शाम को Uh, सुनने में आता है कि एक बंदे का एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने नियर दैट भांडुप ऑन दी एल बी एस मार्ग मंगल एंड ये एकदम खूंखार ये है इसको पकड़ के रखा था एंड ऑल एंड वी एंडरिंग बोले यार रतन तो अभी कल, कल रात से तो यहाँ से गए थे खाना खाने एंड रातों रात उसको उठाया एंड दे अप एंड देन दे एनकाउंटर्ड हिम ऑफ कोर्स ही हैड एनकाउंटर कोई सेन ये नहीं था ही हैड केसेस अगेंस्ट हिम सो दैट एनकाउंटर कल्चर केम वो चक्कर में बहुतों को मार दिया एंड धीरे 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 मुंबई गॉड क्लीन क्लीन फिर वो इफ यू रिमेंबर छोटा शकील फैक्शन जो दाउद के राइट हैंड था then there was मुन्ना झिंगाड़ा एंड राजर्स छोटा राजन का अलग फैक्शन उसको थाईलैंड में यू नो आई थिंक सुभाष वर्मा किस ने ही ट्राई टू किल छोटा राजन इन uh, था वहां से खिड़की से जम मार के भागा then now he's with, uh, अभी तो जेल में है करके सो लॉट ऑफ थिंग्स यूज टू हैपन सो लकीली वो पूरा स्टेट से वी केम आउट नाइन्टी नाइन टू थाउजेंड उसके बाद हार्डली यू कुड हियर गैंग वॉर से तभी गुलशन कुमार producers, film producers, actors को मारा था प्रोड्यूसर्स फिल्म प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को धमकते थे काफियों को मारा उसने यू नो बिल्डर्स को मारे सो ऑब्वियसली टू थाउजेंड टू से लेके अभी तक सुनाई नहीं देता था नाउ अगेन दैट कि सडनली लॉरेंस बिश्नोई हैड जो बी क्लेम दैट बाबा सिद्दीके को मारे सो so, अभी वो ही था कि आई रेड एन आर्टिकल हैज अंडरवर्ल्ड सडनली पॉप्ट अगेन वॉट यू वाज आई होप नो होना नहीं चाहिए आई होप इट इज वन टाइम दिस थिंग बिकॉज नहीं तो फिर एंड नहीं है उसका यू नो द सेम बट उस टाइम पे बिफोर वी कम टू द कर उस टाइम पे आपने बोला गैंग जैसे तीन पार्ट में डिवाइडेड थी फिर छोटे छोटे फैक्शन बन गए वॉट हैपन की दाउद इब्राहिम इतना बड़ा बन गया

Hmm. और तभी वो दुबई जाके दुबई वॉज प्रॉस्परिंग एज अ कंट्री एंड hmm. एक क्या होता है ना कि वेन यू बिकम पावरफुल यू आर अ पावरफुल पर्सन यहाँ रिमेंबर आई डोंट नो यू मे नॉट रिमेंबर जब 87 वगैरह में शारजा जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है uh, तो यू कुड सी uh, पूरे क्राउड में दाऊद ऐसे बैठा है एक्चुअली में इफ यू यूट्यूब नाउ Uh, ऐसे बैठा हुआ है एंड इंडिया और किसी का मैच चल रहा है उसको कोई उस सिगार ऐसे लेकर कोई उसको पानी वेरी फेमस क्लिप एंड ऑल दैट वाज़ दी पावर देन पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग दुबई से फिर पाकिस्तान या कहीं से भी दैट हवाला चैनल स्टार्टेड रूटिंग थ्रू हिम फॉर वॉट एवर रीजन एन ओ धीरे 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 करके ही वॉज देयर इन दैट स्पेस ऑब्वियसली छोटा राजन को भी वही उतना वो भी उसका भी नाम था बट ही डिन गेट दैट फेम एंड देन ऑफकोर्स दैट

ब्लैक बग का जो है इट इज रेवरेंट फॉर दी कम्युनिटी सो वो एंगल से अगेन बीच में ऑफ हैंड हम सुनते थे फिर डाउन होता था फिर सुनते थे बट नाउ लास्ट दो तीन महीने से इट वॉज अ थ्रेट एक्चुअली पहले पहले एंड देन नाउ विच हैपन्ड अभी जो हुआ रिसेंटली तो यही डर है कि ये वापस गैंग वॉर में ना ये हो जाए करके बट डू थिंक इट्स अ गैंग वॉर थिंग जो अभी रिसेंटली नहीं मुझे नहीं लगता बट आई हर्ड अदर डे कोई तो बोल रहा था कोई तो मैंने यूट्यूब कि गैंग वॉर फिर से चालू हुआ है तो मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है विथ रेस्पेक्टेश मतलब आई डू लॉट ऑफ मैं ये सब चीजों से जा चुका हूँ और जितना अंडरस्टैंडिंग है इट इज नॉट बिकॉज गैंग वॉर्स मुंबई में नहीं है अभी यू you नो know, जो गैंग्स थे वो हो गया है, गैंग निकल गया है। पहले पैसे हिस्ट्री ऑफ गैंग हर नुक्कड़ पे एक ये होता था अगर सपोज सपोज हम यहाँ खड़े वीरा देसाई रोड पे यहाँ भी एक भाई होगा फिर आगे चला जाएगा वहां का एक भाई होगा यू नो हर जगह एक था तो यहाँ से वहां जाएगा दे विल बेट यू टैक्स एंड तभी ऐसे था कि तुम आंखों में देखो किसी के तो बोलेगा साला देखता क्या है करके ना रीज़न फॉर uh, मारा मारी स्टार्ट होने के लिए डी किलिंग हुई यहाँ पर बॉम्बे में उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट लगता है, uh, more, अगर वो गैंग नहीं है तो डी यू थिंक दैट इट्सिकल प्राइमा फेसी नहीं लगता है प्राइमा फेसी नहीं लगता पोलिटिकल भी नहीं लगता एंगल uh, मेरे हिसाब से तो इट इज़ मोर ऑफ वन पर्सनस जो कम्युनिटी वाला एंगल है एज ऑफ नाउ एज ऑफ नाउ अभी थोड़ा रुक के देखना पड़ेगा और हाउ इट गोज करके एंड देयर इज़ अ थ्योरी लोग जो बोलते हैं कि बहुत बार जो फेमस नेम्स होते हैं जिनका शूट आउट से गैंग से गैंगस्टर्स से जिनका नाम एसोसिएट होता है उन लोगों पे नाम डालते जाता है कि उन्होंने किलिंग करी है

समी अदर पार्टी टेक्स क्लेम कि मैंने कर दिया हुँ. करके अगर वो सामने वाला कर बोल लेता है कि हाँ मैंने करवाया करके तो देन एवरी थिंग डाइज डाउन टू हिम एग्जैक्टली और उसके पीछे फिर क्या होता है गॉड ओनली नो की हाँ सो so, उसमें आई थिंक दो तीन चीजें फेवर में हो जाती है राइट फर्स्ट इज कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है या बहुत स्ट्रॉन्ग है जो विच कैन लीड टू अ पोलिटिकल पावर या राइट right, तो किसी भी उस उस तरीके में अगर जाती है उस साइड पे जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के नाम भराते हैं वो खट जाता है क्योंकि ऑलरेडी जो क्रिमिनल उसने ले ली सेकेंड इज जो कम्युनिटी चाहती है कि मैं मेरा दहशत फैले मेरा नाम बढ़ाओ उनके लिए फेम इज अ अगर गेम एंड देन थर्ड जो एक जेलर ने हमें बताया था कि जो क्रिमिनल्स बहुत सारे जेल के अंदर हैं वो चाहते हैं कि बाहर कुछ भी एक्टिविटी हो उनके नाम पे हो क्योंकि उसकी वजह से फिर जेल में उन्हें कोई परेशान नहीं करता रीजन हो सकता है बिकॉज सी जेल जेल अगर बड़ा जेल देखो तिहार या आर्थर रोड या कहीं पे भी देखो वहां सब वन मैन अप होता है एंड जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं ना रजनीकांत का एक मूवी yeah, जब तक वो वन मैन अप नहीं होगा तो यू वुड बी लाइक

Hmm. 46% सिक्स परसेंट न्यूली इलेक्टेड एम जो हमारे कंट्री में हुए लास्ट ईयर राइट 2020, ट्वेंटी 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 का डेटा है सो फोर्टी सिक्स परसेंट पॉलिटिशियंस जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या तो उनपे किसी गैंगस्टर के साथ मिलने का या क्लोज होने का एक्यूजेशन है या उनके ऊपर ही बहुत सारे हीनियस क्राइम्स और गैंग गैंग वॉर्स के कलेम्स हैं okay.

आपके चाचा गैंगस्टर थे करेक्ट तो कैसे क्या क्या so, करते थे so, एग्जैक्टली exactly करते क्या थे आपके चाचा सो यू नो बड़ा इंटरेस्टिंग uh, ये है टिपिकल टिपिकल बॉलीवुड uh, मूवी होती है ना टिपिकल यू नो सो मैं जहाँ रहता था भांडुप इट्स अ प्लेस कॉल्ड भांडुप एंड माय फादर जस्ट टू गिव यू अ हेड्स अप फादर जब बॉम्बे आए थे sure. like any other, You know, guy, जो आते हैं अपने सब कुछ तलाश ये करने एंड आने के बाद ही वॉज केरला में बट क्या होता है uh, you know, you know? हमारे घर पे केरला में ऐसे था भगवान का फोटो नहीं मिलेगा बट लेन और कार्लमैक्स का फोटो मिलेगा वहाँ पे Linen और कार्लमैक्स दैट वॉज दी एरा ऑफ एटीज एंड नाइनटीज मेरे घर पर कार्लमैक्स नॉट स्टडीड थोड़ा बहुत जो पड़ा था वही बट मेरे घर पे जो तो मेरे एनसेस्ट्रल होम में उसका फोटो था कार्लमैक्स लेनिन और एक ऐसे वो ये वाला उनका जो कम्युनिस्ट का सिम्बल mm. होता है ना सो दैट टाइम एंड दे बिलीव दैट की सब कुछ जो करना है अपने लिए करना है खुद से खड़ा खड़ा होकर यू नो इट्स अ कम्युनिटी बिल्डिंग तुम पैसा खुद नहीं बना सकते हो सो माई फादर वॉज ऑफ दैट आइडियोलॉजी फिर वो बॉम्बे आए एक दोस्त ने बोला कि कम टू बॉम्बे मैं कुछ तेरे को जॉब दिलाता हूँ स्पेशली गोदरेज विक्रोली के गोदरेज में ही टोल्ड कि गोदरेज में तेरे को काम ये बेचारे लैंग्वेज भी कुछ आता नहीं एंड वहाँ से यहाँ आ गए फंस गए एंड यू नो नोट ओनली सर्वाइवल वॉज इनको गाड़ी चलाना आता था तो ये बिकेम अ शॉफर टू समन एक कंपनी विक्रोली में एक कंपनी उनका ओनर का बन गया फ्टर समाइम ओनर ने बोला कि यारू कब तक ये चलाएगा तू शाम को जाके आई टी आई का कोर्स करे सो ई बीम आई इलेक्ट्रिशियन एंड देन अपॉर्चुनिटीज थी तभी एट नो वर्कर लेवल एंड ये लेवल पे तो देवर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज तू आ जा कुछ ना कुछ तो काम करेगा यू नो अनस्किल्ड लेबर जिसको yeah. बोलते थे सो दैट इज हाउ मै चाचा केम uh, इन्होंने लाया एंड uh, uh, आया ही वॉज हंक हैंडसम टाइप्स एकदम यू नो एन एज ट्वेंटी बहुत स्मार्ट दिखता था एंड ही जिम विम करता था एंड परफेक्ट एक होता है ना बंदा जो सब देखेगा ये चलेगा तो एंड यू नो लड़कियों का फेवरेट एंड एवरी गर्ल एंड मल्लू तो तभी वो मूवी भी रिलीज हुई थी एक दूजे के लिए कमला सन का पता है एक दूजे के लिए मलयाली का जिसको हिंदी बोलने नहीं आता एंड एंड यू टू वर्क इन माई फादर्स फैक्ट्री जहाँ मेरे फादर काम करते थे एवरी थिंग वॉज फाइन एंड फिर ये लोग शाम को ऑफिस के बाद आने के बाद भांडुप जैसे मैंने बोला हर नुक्कड़ पे एक भाई होता था hmm. तभी कैसे होता था ना इवन आई रिमेम्बर जब मैं स्कूल में था या तभी आप अगर रोड पे जाओ आप ऐसे आ, मार्केट से आओ सामने से एक बंदा आ रहा है थोड़ा वो भाई टाइप होगा आपने गलती से उसको देख लिया या गलती से चलते हुए ऐसे ब्रशअप हो गया तो बोले क्या क्या देखता है बेहकर के नाक में क्यों देखा

उसने बोला क्यों ऐसे किया करते बोला सॉरी वेरी बोला तो उसको पीट दिया पकड़ के चाचा को पीट हाँ। तो फर्स्ट टाइम पीटा तो, ना, 24, 25 में, पे, फिर मारे वो लोग बिकॉज वहाँ ऐसा होता है ना तभी एंड देन ही रियलाइज की एक दिन बॉडी बीडी था मारा तो उसका नाक भी फोड़ दिया सामने एंड ही टर्न आउट टू भी कोई बड़ा भाई निकला वहां का एंड फिर तो रोज रोज ढूंढ के आना ये जब भी दिखता था मारता था पकड़ के hmm. तब इसने रियलाइज किया भैया ऐसे कैसे चलेगा राइवल गैंग the जो होता है वहां का उसने देख लिया बोला कि भैया बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है करके सो दे स्टार्टेड एक बंदा आया बोला कि ऐसे ऐसे करके दोस्त बने एंड धीरे धीरे ही गॉड ड्रैग डो इट देन ही बीकेम अट नोन इन दैट एरिया भांडुप में एनी वन नोइंग और वो वो जब आते आते थे 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 थे, ना, बोलते लोग, मतलब पहला पूरा देखते कि उसके बाद ऐसे एक, एक uh, चौरा होता था वहां पे बैठता था uh, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया उनको सवाल लगती थी ऐसे फेमस इंसिडेंट आई रिमेम्बर इज माई फादर

एंड कुछ तो हुआ समेट हिम ब्लू ब्लैक और वहाँ के जो लोकल गुंडे थे ना पूरा हमारा प्रॉब्ली दे वेर नोइंग इनका भाई है करके पूरा फोड़ दिया यहाँ से एंड आई अभी भी मुझे याद है सो माई फादर के एम रनिंग होम पूरा ऐसे ब्लड है यहाँ का लिप्स ऐसे पूरा नीचे अब वो कोई भी सेन आदमी होता है तो क्या करता है वो आएगा पहले हॉस्पिटल जाएगा ना ये आया ऐसे पकड़ा और ऊपर से जैसे हमारे घर पर एंट्री मारती देर इज टू वे रैक जहाँ पे

दिस इज hmm. रात को बारह बजे पूरा हंगामा ऑलरेडी सबको मालूम कि चाचा चाचा की टोली आ रही है करके एंड hmm. पहले धाड़ 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 कुछ लोग आए सब ये कम्स फिर वो जो पीछे जो भी जहा थे वहाँ पे बोला कि भाई को किसने मारा है एक घंटे में अगर वो सरेंडर किया तो ठीक है नहीं तो मार देंगे उसको करके hmm. दिस वॉज़ यू नो लिटरली और वहाँ कैसे चौराहे पे बैठे तीन चार यू नो मोस्ट अंडे टाइप एंड ट्रस्ट मी आधा घंटे में जिन्होंने भी मारा था एवरी वन इज देयर और उनको फिर जो ट्रीटमेंट है मारना हॉकी विक्की से मारना बस मारे नहीं जान से नहीं मारा बिकॉज वो वचन दिया था कि ना ये छोड़ देंगे टाइप सो दैट वॉज दी और वैसे एंड देन धीरे धीरे ही वॉज ही गॉड ड्रैगड इन टू मच बिगर थिंग ही बिकेम दी राइट हैंडमैन टू वन ऑफ दरुण गौली है ना उनका उनकी जो स्टार्टेडिकल पार्टी अखिल भारतीय सेना करके तो उनके जो सेक्रेटरी थे वो एज अ लॉयर ऑल्सो जितेंद्र ढाबोलकर बोल के सो ही उनके साथ ही उठना बैठना सब अरुण गौली गैंगी सेवन ऑन अभी यही महीने में अक्टूबर फिफ्थ ही गॉट शॉट बाय दिस मुन्ना झिंगाड़ा जो छोटा शकील का था सेंटा क्रूज मिलन सबवे के नीचे ही गॉट शॉट अलोंग विद जितेंद्र ठाबोलकर सम मशीन गन से मारे उनको सो ही सम मेनी बुलेट्स और क्यों मारा गैंग एंड जितेंद्र ढाबुलकर ऑल्सो गॉट किल्ड इन दैट बिकॉज

गली में लड़ाई करी कि तू जानता तो नहीं मेरा चाचा कौन तो है वो तो वर्ड है ना हमेशा एंड वी ग्रोइंग टीनएजर्स डिड यू डू दैट वे वो तो हमेशा करते थे कि अरे चाचा अपना कौन करके न, तो, है करके ना हो तो मम्मी वाज वेरी स्मार्ट मम्मी बोलता था ये ना बिगड़ जाएंगे करके तो इनको हटाओ सो वेकेशन वगैरह में वी यूज्ड टू गो टू मामास प्लेस तो फिर पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा है एंड व्हेन वी सॉ दिस डेथ सो देन वी रियलाइज की यार एंड इंसिडेंटली वही टाइम पे गैंग वॉर्स खत्म हो रहे थे सो प्रॉब्ली एवरी थिंग नहीं तो हर जगह पे छोटा छोटा गैंग होता था नहीं वो उनके मरने से पहले You we were like this कि हाँ सी क्या होता है ना एक सबका एक ambition होता है ना सबका एक ambition होता है कि किसी को फौजी बनना होता है किसी को ये तो एक time तक ऐसा strong था because you are seeing that aura ना aura है power है you know सारी लड़कियां फिदा है ये है तो अपने को भी we were growing up teenage कैसे like बनना है करके ना कब ऐसे रियलाइजेशन हुआ कि गैंगस्टर नहीं बनना और uh, अब मुझे करेक्ट सो so, क्या हुआ कि इट वॉज समी फोर नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर दैट टाइम ऐसे हुआ कि थैंक्स टू शाहरुख खान टू बी वेरी फ्रेंक और तभी कैसे टीवी वगैरह बहुत कम पिक्चर सीरियल्स आते थे ना तो फौजी वाज वन सीरियल टू कम तो फौजी आती थी जो भी टाइम पे आता था तभी महाभारत रामायण एंड वेरी फ्यू सीरियल्स यूज टू कम एंड फॉर आर्म फोर्सेस के ऊपर बहुत कम एक परमवीर चक्र होता था और एक ये जब मैं फर्स्ट टाइम देखा दी ऑरा ऑफ दैट मैन इट यू नो आई रेस्पेक्ट शाहरुख फॉर दैट मे बी टूडे आई विल नॉट बाई दैट सीरीज़ बिकॉज वो बाल इतने लंबे लंबे थे फौज में वो एंड उसमें इंसिडेंटली बहुत सारे जो एक्टर्स थे देवर फौज़ीज़ एक्चुअल फ्रॉम दी उसने बहुत डीप इम्पैक्ट किया बोला यार ये होता है लाइफ ना करके बाकी ये सब क्या गली में हम पड़े हुए नहीं तो हम यहाँ से कभी उठेंगे ही नहीं करके एंड दैट वॉज अ बिग इम्पैक्ट तो इसलिए मीडिया टीवी लाइक द पॉडकास्ट यू आर डूइंग दिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इवन टूडे इवन टूडे एवरी डे मैं जब घर से चलता हूँ या ऑफिस से जब आई पुट ऑन अ पॉडकास्ट यू नो एंड यू लर्न सो मेनी थिंग्स सो मेनी थिंग्स कि अच्छा ये अच्छा ऐसा करके सो दैट इम्पैक्ट्स द पॉइंट इज मीडिया बहुत इम्पैक्ट करता है एंड आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट कि वो जो शाहरुख खान का होता दैट समवेयर ये कि फिर मैं मम्मी को बोला मम्मी ये एक ऑप्शन है करके सबसे कैरियस मोमेंट आपकी लाइफ का क्या था ये नेवी में था कि गैंगस्टर वाली लाइफ जो थी जो आपने देखा आपके घर में कभी उसमें था नहीं आ, सबसे स्केरिएस्ट मोमेंट वॉज ठीक है यू नो अंकल का डेथ आई रिमेंबर जब उनको शूट आउट होके व्हेन वी वेंट टू यू नो क्लेम हिम जे जे हॉस्पिटल में मॉर्चरी में था तो वैन आई सॉ हिम द फर्स्ट टाइम एक

एंड uh, फटी इसलिए पड़ी थी कि आई वॉज सी सिक बिकॉज सी सिकनेस आपको मालूम नहीं होता टिल ऑपरेशन तलवार जब फेमस ली नोनेस कारगिल वॉर जब शिप अटैचमेंट mm. को गए तो सलाह जो शिप मिला था इट वॉज अरपान मुल्क था be, see, शिप का कैसे होता है इट्स अ वॉर शिप इट्स नॉट अ क्रूज और अ लग्जरी शिप तो उसमें आदमी से ज्यादा इंपॉर्टेंस वेपन्स और एमुनीशन को होता है यू नो दे हैव टू बी इन दैट प्लेस और आप एंड इट वाज मॉनसून यही टाइम जुलाई अगस्त के टाइम तो आपका जो मोमेंट होता है रोल पेज और जो मोमेंट होता है सारे डायमेंशन में हिलता है एंड देन यू आर नॉट स्टेबल आप भी हिलते हो एंड बाय द टाइम यू गेट एडजस्टेड इट टेक टाइम अब इतने वॉमिट कर करके हालत हो जाता है यू नो समाइम्स आपके अंदर का कि, और कितना वॉमिट करके आपका ब्लड प्रेस okay. आना चालू हो जाता है तभी ऐसे लगा यार कहां गलत फंस गए करके ना <laughs> आर्मी या एयरफोर्स में जाता तो एटलीस्ट ये तो नहीं होता करके तो दैट वाज टाइम एंड एयरफोर्स में भी तो होता नहीं ऑफ कोर्स मतलब उसमें भी सब मोशन सिकनेस होती है हां मोशन सिकनेस बिकॉज़ आई ओ मैंने एक्सपीरियंस नहीं बट इट वाज कैरी ये और सी स्टेट इज सो थिंग ना जब सी समुंदर कैसे है जब तक शांत है ना तो शांत है यू विल एन्जॉय वाला रे ये वादियाँ हैं ये फिजा है ये वो चांदनी हो चांद चान्न, हो चांदनी तुझे देख रहा है ऑल दो एक बार लग जाती ना चांद चांदनी की सब सब बैंड बजती है तो <laughs> एक चीज है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप सबका थॉट प्रोसेस चेंज करो हाँ राइट right? बताओ दैट इज कि नेवी को ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलता यूजली हाँ। usually. लोग उनकी बात नहीं करते या उनको ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते हैं हर वॉर में यू वर टेलिंग मी एंड जितने मार्कोस से मैं मिला हूँ सब ने बोला है कि नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था Correct. हर जगह बट कभी भी नहीं मिला राइट right? एंड कभी बात भी नहीं होती मे बी नेवी ऑफिसर्स बाहर आके बात नहीं करते या मे बी ज़्यादा सेलिब्रेशन मीडिया उनको करता नहीं है आई डोंट नो वट्स द रीज़न तो दैट्स नो कि नेवी का मेन रोल क्या है ओके okay. राइट right? और क्यों उन्हें आज तक इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं मिलती बहुत मिलती है बट कम्पेयर टू अवर आर्मी एंड एयरफोर्स एक तो हमारा कपड़ा यार सफ़ेद ना तो वी आर पीस लाइक <laughs> सफ़ेद कपड़े वाले ज़्यादा नहीं करते एंड uh, हम लोग यू नो लाइक इन एवरी पार्लेंस इन फॉर्ज नेवी में हम बोलते हैं आपस में ना आ, आर्मी और एयरफोर्स को हम जब छेड़ते हैं तब वही बोलते हैं आपने बॉर्डर मूवी देखा होगा दर इज अ जैकी श्रॉफ का इज सनी देवल एंडी था भी नहीं और तभी ये सो वी ऑलवेज से कि जब जब हमने पार्ट किया है ना इधर हमने कंट्री को दो डिवाइड किया है या बहुत कुछ हंगामा किया इसलिए हमें बुलाओ मत करके वन ऑफ द रीजन ये होगा कि सिंस वी आर अ वाटर फोर्स यू नो जैसे कारगिल वॉर भी था तो बरखा दत वॉज कवरिंग मोर लैंड बेस्ड एंड द एक्सेसिबिलिटी एंड ऑफकोर्स एयरफोर्स है तो यू नो सोली वन ऑफ द रीजन वॉज कि नेवी वॉज वेरी साइलेंट एंड पीसफुल है ना हम पीछे हैं करके बट इफ यू सी द नेवल हिस्ट्री हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इन जमोर इन एंड ओ टाइम से अगेन सेवेंटी वन परसेंट ऑफ अर्थ इज वॉटर तो अगर कोई भी कंट्री का नेवी नहीं होगा तो वो कंट्री कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी यू नो सो एंड दैट इज हाउ हिस्टोरिकली थिंग्स हैव बीन एंड जिसने भी पानी पे राज किया है उसने अपना ये किया जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वेरी वेरी स्ट्रांग लाइक आज हमारा बेस है आयन शिवाजी और आयन जांगरे एंड ऑल दे आर ऑल नेम्ड विद दॉरियर्स ऑफ एंड जो एडमिरलिटी कंसेप्ट थी जो कनोजी आंग्रे वाला दे वे ब्रूटल एट सी ब्रूटल यू नो उनको सब पता था कि तभी इमेजिन तभी जायरोस्कोप नहीं था या मैग्नेटिक कम्पोज नहीं था वो टाइम से सिर्फ वो लोग स्टार का नेविगेशन से लेके दैट इज दी दैट इज वाई वी कॉल्ड छत्रपति शिवाजी महाराज इंडियन नेवी है ना फादर ऑफ इंडियन नेवी नाउ जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए लुक व्हेन आई वॉज ऑल्सो रीडिंग दिस कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आया दे वेपनरीज वगैरह को लेकर दे वेर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ उनके पास बंदूक था जब हम भाला पिला मारते हैं देवेर दिखते हैं And जब वो लोग ट्रेड के नाम पे वेन दे स्टार्टेड कमिंग टू दिस हम लोग बहुत डिवाइडेड है ये एक राजा महाराजा का ये है ये mm. एक साउथ में एक है इधर एक है ये है विशाखापट्टनम mm. साइड जाओ तो एक, सबके का ये या, केरला का किसी का है एंड दे प्लेड विद दैट वो आज भी जो करते हैं डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी सिंपल दे प्लेड विद दैट अब Uh, वो करते 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 धीरे धीरे यू नो वी ऑल नो हिस्ट्री हाउ दे कैसे हमको ये किया एंड ऑल बात करते नाइनटीन थर्टी नाइन वेन दी वर्ल्ड वॉर टू हैपन अब जब वर्ल्ड वॉर टू हैपन हो रहा था वर्ल्ड वॉर टू दैट टाइम एज इंडियन जो हमारे खून में है फिया पीपल एक तो बहुत लॉयल होते हैं हम और एक तो बहुत डेरिंग होता है हमें यू नो पीरियड एंड ब्रिटिशर्स को ये मालूम था तो उन्होंने क्या किया कि 1939 वगैरह में आ, उनको मालूम था कि वर्ल्ड वॉर में जाएंगे तो बहुत लोग खपत हो जाएंगे लॉट ऑफ पीपल विल डाई तो इन्होंने दे स्टार्टेड प्लेइंग विद आर पॉवर्टी इन्होंने सब जगह एडवर्टाइजमेंट कर दिया एंड उनको मालूम था कि नेवल फोर्स इज द नेवी स्ट्रांग होना चाहिए रॉयल इंडियन नेवी जिसको बोलते हैं रिन जिसको बोलते हैं रॉयल नेवी दे स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग एवरीवेयर कि ज्वाइन रॉयल नेवी आपको गवर्नमेंट जॉब होगा आपको खाना भी मिलेगा आपको सब कुछ मिलेगा आप दुनिया देखोगे यूनिफॉर्म होगा स्टेटस होगा ऑल तो बहुत सारे लोग बेचारे जो आ, क्रांतिकारी माइंड के नहीं थे जो फ्रीडम फाइट फाइटर्स जो थे यू you नो know, भगत सिंह जी और सो मेनी थिंग मेनी ऑफ देम थॉट कि नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूँगा सबका एक अलग थाट प्रोसेस होता है ना ज्वाइन दी ब्रिटिश नेवी ठीक है अब ब्रिटिश नेवी ज्वाइन हुआ वॉर हुई एंड इंडियंस वे आर फ्लरिशिंग एवरी वेयर ये एकदम जबरदस्त है शिप पे मार काटे जो हुआ देवे मैनी यू नो हिस्ट्री की ये लोग कॉम्बैट भी किए मतलब एक जहाज जब ये पास आता था स्विम विम करके दूसरे बोट पर भी जाके मारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट दैट इज ऑल्सो देयर स्टोरी सो ब्रिटिशर्स को भी कही न कहीं ना कहीं मालूम था कि ये लोग बहुत स्ट्रांग है करके एंड वी वन तो सब जगह जब हम जीत रहे थे ना तो समवेयर माइंड में ये था एंड वी वेर ऑलवेज टोल्ड हमारे जो बंदे थे उनको हमेशा बताया था कि हम वर्ल्ड पीस और आजादी के लिए कर रहे हैं करके hmm. और हमारे बैक ऑफ द माइंड था सर तुम तो दुनिया को आजादी दिला रहे हो हमारा क्या कर रहा दैट वॉज अ वेरी लर्किंग क्वेश्चन एवरीवेयर ना वर्ल्ड वॉर टू वॉज अबाउट टू एंड ब्रिटिशर्स की लग गई मतलब इकोनॉमिकली दे गॉट ड्रेंड और हमारा जितना चूसना था सब कुछ चूस के ले गए इंडिया से अब बोला कि यार ये ये बंदों का क्या करेंगे करके ना इतने सारे लोग को फौज में हमने गवर्नमेंट जॉब करके लिए देन दे स्टार्टेड प्लेइंग उसने खाना खराब मतलब चावल में दाने एंड यू नो दाल पानी जैसा और uh, जहां ब्रिटिश सेलर्स को अलग ट्रीटमेंट दी जाती थी यहाँ एक एक छोटे रूम में uh, जैसे इतना बड़ा रूम होगा तो 25 लोग को एक साथ रख लेंगे और वहाँ एक ब्रिटिश सेलर होगा दो लोग बस बंग बिंग लेके लॉट ऑफ पैरिटी दे स्टार्टेड ये कुछ जमा नहीं अपने लोगों को एंड दैट इज़ हाउ धीरे 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 बहुत लोग को निकाल दिया जॉब से फिर वो लोग गए अब अब इमेजिन दिस सिचुएशन हा मैं एक सेलर हूँ मेरे को आपने जॉब दिया uh, मैं अभी इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं हूँ 1945 का जस्ट इमेजिन हम वहाँ पे खड़े मैं एक तो गया ब्रिटिशर्स का, का काम और ऑलरेडी मेरे लोग बोल रहे हैं रह गद्दार है ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा है अब मुझे वहां से भी भगा दिया नाउ आई एम कमिंग बैक तो मैं अभी क्या फेस करूंगा यहाँ क्योंकि हमारे जो आजाद आजादी के लिए लड़ रहे या ना घाट के वैसे हो गए so अब ये सब चीजों में वेरी इंटरेस्टिंग नेम किसी को मालूम सो दैट इज वाई वांट टू टेल द नेम ऑफ रियल हीरोज Uh, जब मैं फौज में था फ्रेंकली तभी मुझे नहीं पता था ना आफ्टर कमिंग आउट ऑफ फौज इतने साल ना दस साल में नेवी में रह के नहीं मालूम था वेन आई वॉज इन नेवल डॉक यार्ड तो मैं बहुत सारी बोट्स होते हैं जैसे शिप का नाम होता है ना आईनएस तलवार आई तबर एंड कृपान एंड ऑल तो बहुत सारे टग बोट्स होते थे जो गेट वे ऑफ इंडिया से करंजा तक जाने के लिए उनका नाम होता था मदन सिंह बी सी दत्त आर के सिंह जहाज का नाम तलवार होता है आर के सिंह बी सी दत्त पी ए नायर ये सब कोई नाम है क्या बोर्ड का मैं भूल भी गया अभी मैन आई स्टार्ट रिसर्चिंग फ्यू ईयर्स बैक देन आई रियलाइज मा कसम यार यही तो थे वो बंदे करके सो जब बी सी दत्त वॉज दस्ट गाय जिसने रिवोल्ट किया एक ब्रिटिश ऑफिसर हिज नेम वॉज फ्रेडरिक किंग

फॉलिन में खड़े रहे. ब्रिटिशर्स ने कुछ मारा इसने उल्टा हाथ से मारा. तो उल्टा हाथ से disrespect। तो Britishers माँ बहन पे बोलने लग गया तो इसने क्या कि अपना जो टोपी होता है सेलर का hmm. ऐसे नीचे डाला उस पर जम करके नाचने लगा एंड ही वॉज यू नो टेकन अवे एंड उसको मारा एंड वट एवर सो दैट वॉज फर्स्ट थिंग ऑफ प्रोटेस्ट तो फिर ये लोग बहुत सारी चीजों पर प्रोटेस्ट करने लगे एंड धीरे धीरे वॉट हैपेंड इन्होंने अगर आप कोलाबाद जाओगे ना पीछे की तरफ से वैन यू गो टू बदवार पार्क एंड एक बहुत छोटा सा जगह है अभी किसी को मालूम भी नहीं है इट इज कॉल्ड अभी इसको एम टी पुल बोलते हैं मोटर ट्रांसपोर्ट पुल दैट वॉज दी सेंटर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मोमेंट अभी अगर आप कोई भी यू नो ऑल इफ पीपल वॉच अज वेन एवर यू गो थ्रू दैट साइड पीछे का रोड है बैकबे वाला जो रोड है वहां पे एक एम टी पुल है hmm. वहां से हमारी आजादी चालू हुई थी वेन एवर यू गो देर यू शुड जगह को दैट प्लेस वॉज कॉल्ड एच एम आई एम एस तलवार एंड दिस गाइज जो भी इंडियन सेलर्स थे कम बहुत लोग आने वाले थे इन्होंने क्या कर दिया रातों रात Uh, पूरा पोस्टर्स लगा दिए क्विट इंडिया एंड फ्रेडरिक किंग जो भी है गो हाँ. बैक और पूरे ब्रिटिशर्स के फ्लैग जला के डाल दिया के यू नो थ्री इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट का ऐसे फ्लैग लगा के एंड दैट वाज द मोमेंट इट ऑल स्टार्टेड एंड धीरे धीरे करके uh, सब जगह न्यूज फैल गया और इन्होंने 33 शिप्स को टेक ओवर कर लिए सारे सेलर्स इंडियन नेवी के जितने भी रॉयल नेवी में मद्रास सब जगह पे इन्होंने टेक ओवर कर लिया तो जो सेलर्स थे जो घर के ना घाट के घाट के वो लोग, लोग भी वापस आ गए कर कर लिया। लिया। uh, इनका हाथ में वायरलेस था ना देर मेनी ऑफ देर वायरलेस ऑपरेटर सो रात रातोंरात इन फरवरी 12 13 14 की बात है द टुक ओवर एंटायर थिंग अब ब्रिटिशर्स की shifts. फट गए सो देयर वाज अ स्टेटमेंट मेड बाय वन ऑफ द ब्रिटिश आई थिंक एटली या किसी से बोलते हैं हमें गांधीजी का क्विट इंडिया मूवमेंट से जितना डर नहीं था ना उतना आज फट रही तो हाँ, है करके बिकॉज़ ऑफ दिस बिकॉज़ दिस गाइस हैव नाउ गॉन आउट ऑफ कंट्रोल 33 शिप्स लेके आ गए बहुत मचा सकता

ये पूरे सेलर्स उतर गए करके एंड तबाही एकदम हंगामा यू नो यू इमेजिन कि हम 45 में बैठे हैं मुंबई में है हम एंड टुवर्ड्स ताज वही साइड पे सब चल रहा है ये पूरा हंगामा नाउ सैड पार्ट सैड पार्ट ये है कि सलाह जो पॉलिटिकल पार्टीज थी लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग कम्युनिस्ट उनको ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि हमारे पास अब पैसा वैसा नहीं है वी बी एबल टू कंटिन्यू आपको हम आजादी दे देंगे करके कि ना दे वांटेड अ सेपरेट कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान आपको ये चाहिए मोहम्मद अली जीना और गांधी को बुला के सब कुछ सेट था उनका अब इनको वो तकलीफ हो रही थी ना कि सलाह इन्होंने ये कैसे कर दिया 45 में दे शुड नॉट हैव डन सो गांधी जी इट सेइंग कि ये नॉन वायलेंस मूवमेंट के खिलाफ है करके इट शुड नॉट हैव हैपेंड एंड मुस्लिम लीग कंडेमड एंड कम्युनिस्ट ने सपोर्ट किया इनको बोला कि चलो करके अपना तो बन रहा है तो वो सपोर्ट किया इसको जो भी शिप ये लोग टेक ओवर करते थे तीन फ्लैग लगा देते थे ब्रिटिश hmm. जैक को नीचे जला देते थे कांग्रेस मुस्लिम लीग और विद सपोर्ट करेंगे और ये साले एक ने भी सपोर्ट नहीं किया उनको नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट किसने सपोर्ट किया देवेदी फिल्म फाउंडेशन के जो लोग थे ना ए के हंगल साहब यू नो नो बडी नोज दिस ए के हंगल साहब देन आनंद बख्शी साहब देन Uh, रा, अपना राज कपूर के पृथ्वीराज कपूर के फादर थे दे ऑल स्टार्टेड सपोर्टिंग दिस मोमेंट इन अ प्लेस कॉल्ड रिवेरा चर्च में एक बिल्डिंग है रिवेरा वहाँ पे एक फ्लैट होता था वहाँ पे आई थिंक एक, एक पी ए नायर बोल के था और कुसुम इनका फ्लैट था तो वहाँ पे सारी मीटिंग्स होती थी देन मदन सिंह बोल के आर के सिंह एंड बी सी दत्त एम एस खान ये सारे लोग थे सो दे टूक ओवर एंटायर थिंग एंड फट गई फट गई इतना कि ब्रिटिश का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिप कॉल्ड कातियावाड़ अब वो ग्लासगो इज अ बिग शिप कातियावाड़ का डेयरिंग जो जहाज था उसका डेरिंग उनके सेलर्स ने क्या कर दिया पूरा जो गन का टरेट था उसके मुंह पे लगा बोला हम उड़ा देंगे ग्लासगो को सो देॉर्ड द ब्रिटिश ऑफिसर ऑन दैट शिप वाज सो इम कि सला छुटकुसा शेप है और यू आर चैलेंजिंग वन ऑफ द बिगेस्ट वॉरशिप ऑफ यू नो यूके करके सो दैट वाज़ द लेगेसी अब क्या हुआ ऑल दिस हैपनिंग वेपनिंग हाँ और फिर हमारे सेलर्स ने ये बोल दिया कि अगर इफ यू आर नॉट मीटिंग आर डिमांड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू थ्रेटन अस हम लोग गेट ऑफ इंडिया उड़ा देंगे ताज उड़ा देंगे करके। no, ना, तो सारे जहाजों ने उसका गन का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया नहीं हमारे जो सेलस सेलस थे, ने बोला, कि, बोला कि अगर हमारा डिमांड मीट नहीं हुआ तो हम, हम उड़ा देंगे कर ताज और गेट वे भाड़ में जाओ तुम लोग और ये एंड बाय टाइम इन्होंने फिर पुलिस वगैरह को लाया बोला कि और तब तक बॉम्बे के स्ट्रीट्स में ने hmm. क्या कर दिया ये शिप पे खाना बिना भेजना बंद कर दिया सो नाउ दिस गाइज वेर फाइटिंग विदाउट फूड एंड वाटर थर्टी थ्री शिप थर्टी थ्री शिप सो बॉम्बे के जो लोकल्स थे वहां के यहाँ के दार्टेड सेंडिंग सप्लाईज कोई फ्रूट दे रहा है कोई ब्रेड कोई दूध और वहाँ पे जो टग बोट्स चल रहे हैं वो शिप में पहुंचा रहा है तो ब्रिटिशर्स आर ट्राइंग टू स्टॉप देम सो इट वाज लाइक अ लिमस मोमेंट एंड ब्रिटिश गॉड्स केट बोला भैया खत्म hmm. मतलब हो गया करके हमारा एंड देन दे प्लेड अ वेरी डर्टी गेम उसने क्या किया गांधी जी को यू नो काफी कुछ बोला uh, कि कैसे भी ये होना है अदरवाइज द पीसफुल मोमेंट एंड जैसे हम आपको देना चाहिए था हम दे नहीं पाएंगे करके यू नो एंड वो हो गया एंड इंसिडेंटली दैट टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आई मीन हम यू नो वी रिकार्ड आई का आई का तीन ऑफिसर्स का ट्रायल चल रहा था वहां पर रेड uh, फोर्ट uh, uh, के पास तीन ऑफिसर थे तीनों वेर फ्रॉम डिफरेंट फेथ वन वॉज अ पंजाबी वन वॉज अ मुस्लिम एंड वन वॉज अ हिंदू ये तीनों को ब्रिटिशर्स वेर ट्राइंग बिकॉज ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आई एन ए के है एंड दे वेर स्प्रेडिंग म्यूटनी करके एंड इनके जो डेरिंग से ऑल दिस सेलर्स वेर इंस्पायर्ड बोले अगर ये साला ये लोग ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते hmm. तो ब्रिटिश ने वो फिर वो गंदा पॉलिटिक्स खेल लिया गांधी जी और uh, जिन्ना को इन्वॉल्व करके बोला कि आप उनसे बात करो एंड अनकंडीशनल इफ दे सरेंडर हम लोग छोड़ देंगे उसको करके एंड देन सरदार पटेल टोल्ड टू गो एंड टॉक टू देम एंड सरदार पटेल वेरी वेल रिगार्डेड यू नो तो जब सरदार बोस तो Patel, उस पे इन सब कर रहे नहीं, ये इंस्पायर्ड थे बट कोर्स सुभाष चंद्र बोसर इंसायर्ड बाई दी और फिर जब सरदार पटेल गए तो काफ़ी नेगोशिएशन हुए बात हुए एंड तब ये जो भी सेलर्स थे जो लीड कर रहे हैं वो लोग रियलाइज़ किए कि दी पॉलिटिकल विल जो है जो कल को कंट्री चलाने वाले हैं दे आर नॉट सपोर्टिंग अस और इनको ऐसे लगा कि यार हम कब तक होल्ड कर पाएंगे जी हमारे लोग आ, नहीं सपोर्ट कर एग्जैक्टली exactly, हमारे जो जो सपोर्ट करने चाहिए दे आर नॉट सपोर्टिंग करके एंड देन सरदार पटेल टोल्ड दैम अनकंडीशनल कि आप लोग सब सरेंडर कर दो वी विल इन्श्योर दैट एवरीथिंग आप लोग यू आर टेकन बैक इन योर सर्विस एंड सरदार पटेल का ये था कि जब आज़ाद हिंद होगा जब इंडिया ये होगा ऑल दिस पीपल विल बी पार्ट ऑफ द फोर्सेस तो ये लोग तभी भी ऐसे करेंगे तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है दैट वॉज हिज थाट फिर जैसे ही ये लोग ने सरेंडर कर दिया दी वर्स थिंग हैपेन्ड ब्रिटिशर्स मुकर गए अपने इस पे ऑल ऑफ देम वेयर कॉर्ट ऑल ऑफ देम वेयर जेल्ड बट डो यू थिंक ये फेयर सही था uh, कि अगर ये आज रिवोल्ट कर रहे हैं तो जब भी इंडियन नेवी बन जाएंगे तब भी यही लोग सेम चीज़ करेंगे रिवोल्ट करेंगे और अपनी सारी जो कंडीशन है मनवाने के लिए ऐसा बोलेंगे कि कंट्री ही डैमेज करेंगे दैट इज़ वॉट सरदार पटेल का बिगेस्ट फियर हुआ बिकॉज सरदार पटेल वॉज अ वेरी रेस्पेक्टेड फिगर एग्जैक्टली वेरी वेरी रेस्पेक्टेड फिगर एंड आई थिंक प्रोबेबली आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वॉज द फर्स्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई मीन सॉरी टू ये शायद वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई मीन वो उनका सबसे बड़ा फियर था दैट इज वॉट ही डिफेंडेड थ्रू आउट हिस जब तक वो अलाइव थे whenever, whenever this, ही क्रॉस ऑन दिस उनका यही डिफेंस ये था कि अगर आजाद हिंद होता एंड एक्चुअल बट पाकिस्तान उस टाइम पे उनको लगता अनफेयर हुआ फिर उसके बाद उन्होंने

इम्पॉर्टेंट पीपल देयर टू टेलमी पाँच ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया uh, see, पहला ये था कि दू नो uh, you know, ये टेबल पे बैठे हैं तो फर्स्ट थिंग इज कि वी ऑल तो, शुड एज अ कंट्री मैन यू नो वी शुड अप्रीशियट द गट्स एंड डेरिंगनेस ऑफ दंग इंडियन सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स इट नॉट ईजी मैं नेवी में रह के एट दांस टू गो टू कारगिल अभी रिसेंटली तब तक हम किताबों में पढ़ते थे एंड लाइक समवन फ्रॉम नेवी हम लोग किताबों में पढ़ते थे कारगिल कारगिल जब वहाँ सी इट इज मतलब लोग सियाचन से उतरे थे से, down, 21 से उतर के कारगिल पे गए थे कैन यू इमेजिन आज हम जब सिर्फ लग्जरी ट्रिप के लिए जाते हैं तभी भी हमारी सिर दुख के फटती है एंड वो बंदों के पास ना प्रॉपर क्लोथिंग थे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था अपना गवर्नमेंट वॉज गोइंग थ्रू अ ट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट एक ही जुनून था कि देश वाला सो द वन ऑफ फर्स्ट रीजन वॉज दैट जुनून ऑफ दो यंग्रीज सेकेंड रीजन विच आई आई स्ट्रांगली बिलीव इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस टाइम जब मैं कारगिल गया था कारगिल म्यूजियम में इट इज बड़े इससे लिखा विच आई ऑलवेज वॉन्टेड Was, वहाँ पे एकदम बोल्ड इसमें नेवल एक पूरा ये है, है। उसमें लिखा है कि नेवी ने इतना दहशत कर दिया था कि वी अनाउंस टू दी वर्ल्ड कराची के वहाँ थर्टी थ्री शिप्स थे हम लोग सबमरी एंड हमने पूरा ब्लॉक कर दिया था एंड वी टोल्ड ईच एंड एवरी वन जो भी अंदर ट्रेड या इसके लिए आएगा वी विल अरेस्ट यू या वी विल मार देंगे करके करके। मतलब वेरी बोल्ड दिस थिंग ऑफ एडमिरल सुशील कुमार

सो दिस वॉज्रंगेस्ट स्ट्रेटेजिक रीजन ये है थर्ड रीजन वॉज लॉट ऑफ फिनेशियल ट्रेन एज सच देर गोइंग थ्रूट ऑफ टर्मोलशियॉट ऑफियल ट्रेन डिप्लोमैटिको थिंग्सिंग लॉट ऑफ कंट्रीज टॉकिंग टू ईच अदर फिफ्थ वॉज बिकॉज बोथ वेयर न्यूक्लियर पावर्स तो वो सारा एक प्रेशर था सबका ये सो दिस वेयर प्रॉब्ली फाइव सिक्स रीजन फॉर दैम टू दिस

हमें छेड़ो तो हम तुमको ये कर देंगे करके लाइक द वेरी फेमस डायलॉग ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी कि हम एक शांति प्रिय देश हैं जब तक हम शांति चाहते हैं तो हम शांति में रहेंगे जिस दिन तुम छेड़ोगे तो हम फिर ये कर तो उसमें भी था कि जिस दिन जब तुम छेड़ोगे तब हम ये करेंगे करके बट री एंड दिस थिंग अगेन इट वॉज कि उन्होंने आके ये किया उसके बाद वी वेंट इन क्रॉस एल ओ सी सी कारगिल में भी ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था यू विल नॉट क्रॉस एल ओ सी बिकॉज इट वॉज नॉट अ डिक्लेयड वॉर तभी भी वो चल रहा था पाकिस्तान uh, खुद कंडम कर रहा था कि ये होना नहीं चाहिए टेररिस्ट लोग आके मार रहे करके इसलिए हम एल ओ सी क्रॉस नहीं एंड वेरी वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन था बिकॉज पोलिटिकली गवर्नमेंट वॉज गोइंग थ्रू नो एंड ऑल सो

जब हम लोग मिसाइल्स कैरी करते थे एंड वी टू सप्लाई मिसाइल्स टू द शिप्स तो मिसाइल एक तो मिसाइल इट यू नो और रशियन मिसाइल्स थे सारे आर जेड सिक्सटी वन एंड ऑल उसके सारे स्पेयर पार्ट्स और जो भी थे एवरीथिंग वाज यू नो रशियन और दे और मिसाइल को जो गाड़ी कैरी करती थी दैट वॉज अ रशियन व्हीकल एंड यू नॉट बिलीव कि अगर विशाखापट्टनम का जो बेस है जहाँ पे डिपो था दैट वॉज फोर्टी फोर किलोमीटर्स फ्राम द सिटी हर माइलेज वो गाड़ी की होती थी बोलती है ना कितना देगी करके एक किलोमीटर एक लीटर एक किलोमीटर एक लीटर एंड देर इज अ कॉन वाई विच यूज टू मूव तो जैसे चार गाड़ी चलेगी उसमें इनवेरिएबली एक को तो खराब होना ही है एंड वो खराब हो गया तो बाकी कौन आई आई यूज टू बी दई कमांडर एंड ऑल यू नो जूनियर लेफ्टेंट पे सो वी विल बी स्टैंडिंग 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 फॉर अ कार्बोरेटर और समथिंग वो गाड़ी का फलाना ठिकाना जो भी पार्ट है एंड वो रशिया से कभी इम्पोर्ट होके आना दैट इज द टाइम व्हेन द इंडिजनाइजेशन थिंग हैपेंड, एंड टुडे आई एम हैप्पी टू दैट वी डोंट डिपेंड ऑन द रशियन व्हीकल्स सारे हमारे व्हीकल्स है ये है तो इंडिजनाइजेशन हैज प्लेड अ अज रोल पहले हम सारे शिप बाहर से बनवा के लाते थे ना अभी hmm. देखो कितना टर्न अराउंड Every two अभी, तो 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 थे थे अभी जयशंकर सर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना के शिप्स और चाइना की एक्टिविटी सी में बहुत ज्यादा दिख रही है सो वी शुड बी प्रिपेर फॉर द नेवर सीन बिफोर काइंड ऑफ प्रेशर या

मेकिंग शिप इन इंडिया विल टेक एटलीस्ट टू ईयर्स आपको पूरा टर्न अराउंड मेकिंग शिप इन चाइना आपको तीन महीने में सब कुछ खत्म हो जाता तो सीधी गैप ह्यूज गैप तो ये तो इसी में मैं बोल रहा हूँ फिर mm. आपके जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री वीव टू तो गो थ्रू दिन प्रोसेस बहुत सारा ताम झाम है वहाँ ऐसा नहीं है वहाँ अच्छा ये बोला तो नेक्स्ट डे आ जाएगा टाइम्स सो दैट प्ले इज अज सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड टाइम टैट जिसको बोलते हैं ना सो कहीं ना कहीं तो डू थिंक हमें डरना चाहिए डरना तो नहीं चाहिए डरना तो नहीं चाहिए बट ये वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बोलूंगा वी शुड नॉट बी ये कि हम जोश में बोलते हैं ना हम देख लेंगे करके नहीं है बिकॉज यू नो जब हंड्रेड के अगेंस्ट तुम्हारे पास दस है सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एक बहुत अच्छी चीज थी विच आई वाज रीडिंग इन अ बुक कि जो कंट्री का लॉ है ना वो फौजियों को समझ में नहीं आता hmm. बिकॉज फौजी डिसाइड कर है सही और गलत hmm. चांस देने बिलीव नहीं करते right? तो तो इंसान राइट और रॉन्ग ब्लैक और वाइट में चलता है hmm. और वो ग्रे लाइन ही नहीं देखता तो वो किसको कैसे बनाओगे आप बेटो इमेजिन वैसे बन जाएंगे पाकिस्तान जैसे That's that perfect sir thank you so much अरे uh, good fun it yeah. was fun it was genuinely very good thank you for sharing uh, a lot of pleasure stuff. pleasure मजा आया thanks for having me ke. on this and मजा आया it was pretty intellectual thank you so much ये episode end तक देखने के लिए अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और बेहतर से बेहतर guests लाते रहें और बड़ा करते जाएं तो please इस channel को subscribe कर लो क्योंकि जितना आप subscribe करोगे उतने ही बड़े और बेहतर गेस्ट हम ला पाएंगे जो आपने देखा है कि वो होता आया है और आगे भी होता जाएगा एंड हम डिटरमाइंड हैं हम इस मिशन पे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इस एपिसोड से चेंज आएगा उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा बिकॉज वन एपिसोड कैन टर्न अराउंड सम होल लाइफ थैंक यू सो मच I'll see you next time. Until then, keep figuring out.